हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि जीके कैसे पढ़े। देखिए, एक्चुअली मेरा जीके में नंबर नहीं आता है। जब मैं जीके पढ़ता था ना, तो उस समय मेरा बहुत अच्छा नंबर आता था। मतलब मैं हाईएस्ट अब तक एसएससी में 38 लेकर आया हूँ आउट ऑफ 50। मतलब 50 में से 38 नंबर मेरा आया था। उस समय मैं डिवोटेड था जीके को लेकर, और मैं उस समय लूसेंट यूज़ किया करता था और करेंट अफेयर्स जो एसपीडी पढ़ता था वही पढ़ता था। तो अभी फ़िलहाल में मैं इस साल ये हुआ कि मैंने जीके पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मतलब पहले से लग रहा था कि रिज़ल्ट आ जाएगा 19 वाले में, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो चलिए मैं आप लोगों को लूसेंट पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। उसको दो तीन तरीके से पढ़ते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर बाद में मत पूछिएगा कि जीके कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर उस तरीके से कीजिएगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 50 में से आपका 38 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इन 25 लाने का तो मैं श्योरिटी देता हूँ, वो 25 तो आ ही जाएगा। और एक जो CGL के बंदे हैं या SSC में किसी भी फील्ड में बंदे हैं, तो वो 25 ला दे रहे हैं अगर 50 में से, तो एक डिसेंट स्कोर है, क्योंकि जीके ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ही है, और उसमें नंबर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीके पर ज़्यादा नंबर आपका जीके का आ रहा है, तो ऑटोमेटिक मैथ या इंग्लिश का स्कोर घट जाएगा, क्योंकि आप समय ज़्यादा जीके पे दे रहे हैं तो फिर इंग्लिश और मैथ पे स्कोर घटेगा। ये एक दूसरे के मतलब प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ जीके कैसे पढ़ना है। देखिए, तो ये लूसेंट है, मैंने लूसेंट खोल रखा है। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से, तो मैंने हिंदी में ही लिया है। देखिए मैं बताता हूँ, इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर आपको विषय सूची दी हुई है, तो आपको जो अभी जिनका MTS है वो ना करें ऐसा, क्योंकि वो जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वहीं करें। अगर जो MTS है अगर वो कर रहे हैं तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट भी नहीं होगा और कर भी नहीं पाएंगे। जिनका 3 महीने बाद एग्ज़ाम है या एटलीस्ट 2 महीने बाद एग्ज़ाम है वो करें, ठीक है। देखिए, आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट लेकर चलना है। मतलब मैं बता देता हूँ, कोई भी 5 सब्जेक्ट लेकर चलना है। जैसे कि आप इतिहास खोल लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, और कोई भौतिकी मतलब फिजिक्स लेकर चले। मतलब इनमें से कोई 5 सब्जेक्ट लेकर चलिए, और आपको ज़्यादा नहीं एक पेज ही पढ़ना, मतलब एक पन्ना पढ़ना है, एक पेज और 2 पेज, ठीक है। ये एक बार में एक पेज और 2 पेज सबका पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री थोड़ा लंबा है तो आपको ज़्यादा दिन लगेगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स खोलेंगे तो ये छोटा है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसके जगह पे रसायन चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे चालू कर सकते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लगभग एक महीने नहीं लगेगा तो कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएगा मिनिमम, मान लो आप 15 अगर बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं तो। लेकिन एक एक पेज पढ़ रहे हैं तो आप मान लो कि 1 महीना लग जाएगा, एक एक पेज पढ़ रहे हो, मतलब 2 पेज पढ़ रहे हो तो। और अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये 15-17 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है। और एक और बात, जैसे मैंने कलर कर रखा है, जैसे मैंने ये पढ़ा था जब, तो इधर तो नहीं है एक्चुअली, एग्ज़ाम के समय मैंने जो मेरे को मेन टॉपिक लग रहा था, जैसे अशोक के बारे में पढ़ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना, फिर जाकर कुषाण, ये सब मतलब मेरे को लग रहा था, जो जो मैंने टिक आउट कर दिया था, जो याद था वो याद था। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, जितने भी गवर्नर जनरल थे इनके बारे में मैंने ये कलर कर करके पढ़ा है। तो क्या होता है ना, जब रिपीट करते हैं ना, तो इस पर पता चलता है कि कौन सा चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया शिवाजी के गुरु कोणदेव थे, ठीक है। तो अब ऐसे, अब शिवाजी के गुरु कौन थे, ऐसे ट्रिक बनाइए, कौन देव थे। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में भी आपको जाना है, ज्योग्राफी में भी एक पेज पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है 3 महीने का, 3 महीने के बाद है, तो आप आराम से कीजिए, और उसके बाद एक पढ़ना पढ़िए, और आराम से उसका सेकेंड टाइम आइए तो उसका रिविज़न कीजिए। मतलब आपको एक अच्छे तरीके से सुटेबल टाइम में, जिस समय आपका फोकस बनता हो, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है आपको फोकस करना होता है। देखिए, मैथ म्यूजिक चला के बना सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन म्यूजिक चला के बना सकते हैं, लेकिन जीके जब पढ़ने बैठते तो पूरी तरह कंसंट्रेशन होना चाहिए। मतलब
आपका ध्यान एकदम पूरी तरह फोकस होनी चाहिए इसमें, तो आप वैसा टाइम चूज करें कि आप उस मतलब इसको अच्छे से पढ़ ले और याद कर ले। एक और बात, आपको कम से कम 2.5 घंटे से 3 घंटे जाएंगे, तो आप देख लो कि जीके में 2.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 2.5 या 3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो मान लो 45 मिनट करंट अफेयर्स और 2.25 घंटे का ये होगा, तो 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे तभी जीके कम्प्लीट हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है तो उसको बुक में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि मैंने किया था, अब यहाँ पे तो नहीं किए थे, यहाँ पे इसलिए मेरा जीके का स्कोर थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट में था, मैं पढ़ रहा था, तो उससे मैं नोट कर रहा था। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका है आप इतिहास को उठाइए, हिस्ट्री को उठाइए, हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, जो जो इसमें आ रहा है उसको लिख लीजिए, फिर ज्योग्राफी उठाइए, फिर कंप्लीट कीजिए। लेकिन एक दिक्कत आती है कि आप एक सब्जेक्ट को उठाते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है कि फिर आप बोर हो जाते हैं, इसलिए सारा सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़े और रेगुलर बेसिस पे पढ़े। रेगुलरिटी होगी तभी आप सफल हो पाएंगे, याद कर पाएंगे। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एक बार में नहीं, कम से कम लूसेंट दो से तीन बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका बेस मजबूत होगा। और मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि आप कम से कम 25 नंबर लाइएगा, मतलब 50% नंबर आ ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और आपका ये लूसेंट का जो डाउट था मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो बाय।